feel for all stakeholders. Now, since the model code of conduct comes into effect with immediate announcement of the schedule, the union budget will be presented on 1st of February as per established practice. The President of India will address the joint session of Parliament before that, and also the economic survey of India will also be laid in the Parliament sometimes just before the budget. Now, sir, will that ensure, and you will perhaps allow that proceedings to can go on. Yes, now, will that allow, ensure living playing field for all stakeholders? Budget is a, there's a yearly statement which has to be laid before the Parliament, and it has to be announced. The Election Commission will not like to interfere in the presentation of budget, because that is a for the whole particular whole country, not limited to these five states only. And that is ultimately the summing up and the allocation of expenditure, the revenue raising measures. So how the level playing field will be disturbed, this thing? The level playing field will not be disturbed by the budget. Sir, नीरज पंजाब में जिस तरीके के राजनीतिक हालात हैं, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या आपकी तैयारियां हैं? कहाँ? पंजाब में जिस तरीके से इस समय चैलेंज उत्पन्न हुआ है, नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वो शुरू कर चुके थे, कम से कम उन्हें खत्म कर लेने देते आप। अब बोलिए। मैं नवनीत मिश्रा हूँ राजस्थान पत्रिका से। हाँ जी। पंजाब में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौतियां उत्पन्न हुई है, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर? देखिये, कमीशन ने इन सबका भी पूरा आकलन किया है, सुरक्षा का एंड लॉ एंड ऑर्डर का, और उसके लिए सफिशियंट CFPF कंपनीज विल बी डिप्लॉयड इन ऑल द स्टेट कंसिडरिंग द पोजिशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर and any other threat perceptions. Sir, Neeraj News 18 India Network 18 से। हाँ Neeraj। मेरा सवाल पंजाब से जुड़ा हुआ है, लेकिन different context में है। आपने CFPF की बात की, उनकी तैनाती तो आमतौर पे regular way में होती है तमाम चुनाव में, लेकिन कृषि कानूनों का केंद्र रहा पंजाब, border state है पाकिस्तान से, हाल में drone के जरिए आतंकी हमले भी हुए हैं, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, बेअदबी का मामला सामने आया स्वर्ण मंदिर में, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग के लिए ये एक मेजर कंसर्न नहीं है पंजाब का विधानसभा चुनाव इस बार, क्योंकि पहले भी दूसरी वजहों से पंजाब में चुनाव स्थगित या थोड़े वक्त के लिए टाले गए हैं, तो कैसे देख रहा है चुनाव आयोग इस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में? नीरज, नो इलेक्शन इज द सेम, एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट, एवरी स्टेट इज डिफरेंट, और कमीशन हर चीज को उसका आकलन करता है, लोगों से डिस्कशन करता है, जहां थ्रेट परसेप्शंस हैं, जहां पर इस तरह का फार्मर एजिटेशन है, हम लोगों ने जहां जहां भी गए हैं सभी लोगों से इसके बारे में भी चर्चा की है कि कौन कौन से एरिया में किस किस तरह से फार्मर एजिटेशन हुआ, कहां कहां विड्रॉल हो चुका है, कहां क्या सिचुएशन है, तो इन सभी तथ्यों का हम लोगों ने आकलन किया है, और पूरे कमीशन ने जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनसे बात की है, हर तरह की सुरक्षा एजेंसी जो बॉर्डर पर है उनसे भी और जो स्टेट में है उनसे भी, इन सबका पूरा संज्ञान लेकर ही इस कमीशन ने इलेक्शंस का अनाउंस किया है। आशीष आपका सवाल। पीछे से मैम, यहाँ से ऋषिकेश बोल रहा हूँ, ट्विटर पर से। सर, आई एम शराम रोजेस फ्रॉम ISTV इम्फाल। फॉर द फर्स्ट टाइम द प्री पोल वायलेंस हैव बीन हैपनिंग स्पेशली इन 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन हायरो 1 पर्सन हैव बीन किल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मेनी वायलेंस आर हैपनिंग इन मणिपुर, एंड द लॉ एंड ऑर्डर इशू इज ऑल्सो मेजर कंसर्न। So what are the steps you will take in case of Manipur that the violence are taking place right now to ensure free and fair election in Manipur? Please, sir. Yes, we had discussed this issue with the Chief Secretary and the DGP in the very recently held video conference in that state. They also apprised about these situations, and Commission is taking all steps so that such violence should not recur. We have also had discussions with the Union Home Secretary in this regard, and therefore even you see that Manipur is being given a two phases, elections are being done, and we will ensure that these types of things should not recur. Sir, आप ले लीजिए। Sir, मेरा सवाल ये है कि पिछले आपने कहा कि सारे चुनाव एक जैसे नहीं होते हैं, ये सही है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जो आचार संहिता का और गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनके लिए क्या पहले से सजा का ऐलान करेंगे या कार्रवाई कैसी होगी उसका ऐलान करेंगे ताकि उनके अंदर डर बैठे और ये पता रहे? क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ ऐसी, पिछले दो चुनाव का अगर हम देखें, पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान जो हुए, उस समय पार्टियों ने उम्मीदवारों ने जम के मनमानी की और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई दिखने में नहीं आई, तो अब क्या इसमें कुछ कर रहे हैं?
नहीं बिल्कुल की जाएगी, और इसीलिए एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फॉर डूज एंड डोंट्स एंड द इलेक्टोरल ऑफेंसेस बिसाइड्स द एमसीसी विल आल्सो बी ब्रॉट टू देयर नोटिस एंड इफ एनीथिंग इज फाउंड दैट दे आर इंडल्जिंग इनटू एनी टाइप ऑफ ए इलेक्टोरल ऑफेंसेस विच आर एन्यूमरेटेड इन अवर आरपी एक्ट द एफआईआर विल हैव टू बी फाइल्ड एंड दैट विल हैव टू बी फॉलोड प्रॉपरली। सर गौरव बोल रहा हूँ टाइम भारत से, उत्तराखंड में भी चुनाव है और काफी टफ टेरेन और फरवरी में चुनाव होने हैं और हमने देखा कि काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि वहां के लोग जो है वो आपके इधर हैं? ये सर इधर आपके इधर हैं, हाँ हाथ तो उठाइए। तो सर उत्तराखंड के लिए सवाल ये रहेगा कि वहां पर लोगों के लिए सुदूर इलाकों में खास करके जहां बर्फबारी होती है वहां पर वोटिंग के लिए आप कैसे भागीदारी बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रह पाता इन वजहों से और अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी कई इलाकों में देखने को मिल रही, वो कैसे आप लोग सुनिश्चित करने वाले हैं? ये भी जो चर्चा आपने की गौरव, ये भी हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग, तो जहां पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशन को नीचे किया जाता है एंड सो दैट इलेक्शंस कैन बी हेल्ड एंड ऑल अरेंजमेंट्स आर आल्सो मेड विच एवर इज पॉसिबल इन टू दैट डिफिकल्ट टेरेन सो दैट द पर्सन कैन कम एंड कास्ट देयर वोट्स। सर जिस प्रकार से ओमिक्रोन का खतरा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर डर है कहीं ना कहीं, उसको डर को निकाला कैसे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में जो वोट है वो पड़ सके? आई थिंक मैंने कोविड गाइडलाइंस में आपको यही बताया और डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए देयर इज नो नीड ऑफ ए पैनिक, देयर इज अ नीड टू कॉशन, सावधानी बहुत जरूरी है। आज आप लोग यहाँ पर भी आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मार्केट भी खुले हुए हैं, मॉल भी खुली हुई है, सब जगह चीज चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैड डिस्कस दिस इशू विद ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। ओनली थिंग इज दैट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड एज आई एन्यूमरेटेड टू यू एज आई टोल्ड यू दैट द पोलिंग ऑफिशियल्स आर सेम, द वैक्सीनेशन हैज गॉन वेरी हाई इन ऑल द 5 पोलिंग स्टेशन ऑन अवर इंटरवेंशन एंड ऑन अवर डायरेक्शन, सो द पर्सन कैन बी एब्सोल्युटली सेफ विद द डबल वैक्सीनेशन एज फार एज पॉसिबल। पोलिंग ऑफिशियल्स आर सेफ, पोलिंग बूथ्स आर सेफ, अल्टीमेटली इट इज यू हु हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सोशल डिस्टेंसिंग विल हैव टू बी मेंटेन, द मास्क विल हैव टू बी पुट, द सैनिटाइजर विल हैव टू बी पुट। इवन इफ यू गो टू द मार्केट इन दिल्ली, आई थिंक दे आर नॉट डेजर्टेड, दे आर पर्सन्स आर बाइंग गोइंग एवरीवेयर। I don't think there's anything which is deterring them to go to the market. But I would like that they should come with full preparedness of the COVID-safe measures. Sir, I use Pandey from TV9 Bharatvarsh. My question is that the COVID protocol and the rallies, if there is a उल्लंघन होता है, तो किस तरह की निगरानी की व्यवस्था की गई है, राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं और अगर उल्लंघन होता है तो तत्काल प्रभाव से किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? हाँ देखिए, ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है टोटली वो चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम है जो कि एसडीएम अथॉरिटी के इंचार्ज हैं उनको दी गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ दे विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम आल्सो, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दे विल टेक एक्शन, दे विल नॉट डिटर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर्स आल्सो इफ दे डू नॉट वॉच इट प्रॉपरली। सर दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि सर यूपी में आपने ये नहीं बताया कि जो चरण वाइज जो सीट्स कौन कौन सी रहेंगी और जो मांग की गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि हर बार यूपी में जो चुनाव होता है वो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में होता है, उसको इस बार बदला जाना चाहिए, उस पर कमीशन ने क्या डिसाइड किया है और हर चरण में कितनी सीटें रहेंगी? दूसरा सवाल यह है कि सर चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल से क्या सीखा है, क्योंकि वहां भी एसडीएमए और एनडीएमए जो भी गाइडलाइन जो एक्ट है तभी वहां लागू था, पिछली बार भी बावजूद इसके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था कि आप लोगों ने स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स नहीं कराया, तो उससे क्या सीखा और इस बार आप लोग कैसे स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स कराएं क्योंकि आखिर में आपको ही ब्लेम किया जाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पहला तो यह आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेस में होगा, दैट मैप विल बी गिवन टू यू। और किसी पार्टी ने वहां पे हमसे शायद एकाध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से बेस्ट कराइए।
हमने जो पहले किया गया है और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार, जैसे 403 एसीज हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकेंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज में 60, सेवेंथ फेज में, सिक्स फेज में 57, सेवेंथ फेज में 54. सो दे आर वेरी इक्विटेबल दिस टाइम एंड वी हैव रीओरिएंटेड होल दिस थिंग. बट इट इज वेस्ट टू ईस्ट, टोटली वेस्ट टू ईस्ट. एंड सेकेंड क्वेश्चन विच यू हैव रेस्ड, आई वुड लाइक टू से that as you are aware, and I think you must be reading also all the, you know, where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. It can be anything. It is generally natural flow of the corona, that how it can be generated. So naturally we have taken consideration, like I told you, that positivity rate we have taken into consideration, and still we have prepared our electors absolutely with the full vaccination this time. In the earlier time they were not fully vaccinated. So we have ensured that the maximum person should be fully vaccinated, because the poll will be going in held to be held in February. And we have got the whole month of this political month, so that the persons can be fully vaccinated, they can be absolutely taken care of, and otherwise the action will be taken strictly as per the SDMA, and we will ensure that that action should be taken. महिला जर्नलिस्ट से ले लो, बड़ी देर से पूछना चाह रही है. पूनम आप शुरू करें. महिला पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से. इस मर्तबा शायद पहली बार मैं कमिश्नर की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ. आप लोगों ने जिस तरीके से अपराधीकरण के लिए बोला कि अपने उम्मीदवार को जानिए और ये भी बताइए कि आपने उस उम्मीदवार का चयन क्यों किया है, तो इसको लेकर आयोग कितना गंभीर है? क्या हम ये माने कि इस मर्तबा पारदर्शी चुनाव के साथ साथ ऐसे चुनाव पर भी आयोग का जोर है कि साफ सुथरे उम्मीदवार आए और पारदर्शी चुनाव हो? पूनम जी आपने बहुत ही अच्छा यह सवाल उठाया, और इसके लिए आयोग पूरी तरीके से सजग है, और इसीलिए हम लोगों ने ये इवन ऐप भी बनाया है, नो योर कैंडिडेट. यू कैन गो ऑन दैट ऐप, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द चॉइस ऑफ ए वोटर. But we would like to inform the voter about the candidates, and the party is also required to give on their web page, first home page, that why they have selected that particular person, and by ignoring the person against whom there is no pradhikaran type of a thing or criminal antecedents. So ultimately the choice is with the voter, but voter should be fully, absolutely, clearly informed. Sir, I am Pranav.